भाई लोग एग्जाम बने या ना बने, लोकेशन देख कर एकदम मजा आ गया भाई। बचपन से ही मैं अगर ऐसे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा होता ना, तो आज मैं कलेक्टर के पोस्ट पर होता। अभी तो उम्मीद है कि मैं कलेक्टर बन ही जाऊंगा। मेरा लगता नहीं है कि उसका पेपर अच्छा गया होगा, क्योंकि फालतू जैसे घूमता रहता है दिन भर से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और बीएड एग्जाम 2.0 के अपार सफलता के बाद में आज हम जा रहे हैं चपरासी के एग्जाम दिलाने। तोबा तोबा तोबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। और मेरे साथ में जाएंगे ये प्रिंस चंद्रा और एक जाने हैं मनीष दास महान। तो चलो ये नृत्य का चपरासी वाला एग्जाम का एक छोटा सा व्लॉग आपको एंजॉय करने के लिए। तो गाइस, हम लोग गांव से बाहर निकल चुके हैं और एक तो कीचड़ में हमारे चंद्र सर का पैर पड़ चुका है और ये गोबर खून डाले हैं यहाँ पर हमारे प्रिंस चंद्र जो है उनके किस्मत में गोबर फिर चुका है, ये देख सकते हैं आप लोग। भाई साहब, इसको देख सकते हो, बेचारे को एक्सीडेंट हो गया, तो दूसरे बाइक को मांग कर इस बाइक को उठा कर ले जा रहा हूँ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो भाई रास्ते में हम लोग कुछ खाने के लिए रुके थे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ है नहीं। चलो आगे देखते हैं हम लोग, और कुछ मिलता है तो काफी पेट का सवाल है भाई लोग। फाइनली गाइस, इधर उधर करते भटकते भटकते हम लोग अपने सेंटर पहुंच गए हैं, वो जो कि ओपी जिंदल स्कूल है। कितना टाइम लगा यार पहुंचने में हमको? पाँच घंटा लग चुका है अपने को। तो अभी क्या करते हैं, अभी टाइम थोड़ा सा आधा घंटा बचा है, थोड़ा सा गप सप मारेंगे, उसके बाद मैं अपने सामान वगैरह बैग वगैरह छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं जाता हूँ अंदर एग्जाम दिलाते हैं। एकदम स्कूल तो एकदम कतई खांटी दिख रहा है भाई लोग, एकदम पूरा गार्डन विडन बना हो। बचपन से मैं स्कूल में ऐसे पढ़ा होता था, आज IAS बन चुका होता। तो चलो अभी सामान वगैरह कोई इनको देते हैं अपने पंटर लोगों को, उसके बाद में हम चलते हैं। अभी तो तुलेश पेपर लेने गया है अंदर, और मेरे को लगता नहीं है कि उसका पेपर अच्छा गया होगा, क्योंकि फालतू जैसे घूमता रहता है दिन भर से। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा, मतलब ड्यूटी करता है, देखते हैं कैसा बना होगा, आएगा तो पूछेंगे कुछ पूछेंगे उसको। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। तो देख सकते हैं वो आ रहा है। तो भैया के साथ देखते हैं उनका पेपर। तो आ चुके हैं अभी, गया तो एकदम बढ़िया है, और मैं सप्लीमेंट्री मांग रहा था तो वो लोग सप्लीमेंट्री दिए नहीं, वरना मैं और अच्छा परफॉर्म कर सकता था। अभी तो उम्मीद है कि मैं कलेक्टर बन ही जाऊंगा। कुछ भी सवाल का क्या है, सवाल तो हमेशा इजी होता है, और उसका डिफिकल्ट हो या ना हो अभी तो मेरा एग्जाम वगैरह कंप्लीट हो चुका है। और एक बार मैं बता दूं कि मैं एग्जाम दिलाने कहाँ आया था, ये लोकेशन को देख सकते हैं एक बार आप। तो भाई साहब ये देख सकते हैं आप, एकदम खतरनाक लोकेशन है ये ओपी जिंदल स्कूल।
तबाही व्यू। और ये देखो पूरा गार्डन वुडन क्या क्या पत्थर बाट को सब चीज को रख दिए हैं। भाई बचपन से ही मैं अगर ऐसे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा होता ना तो आज मैं कलेक्टर के पोस्ट पर होता। बात तो एकदम गलत है। गलत नहीं है सगा, सही है एकदम। थोड़ी करें लोग एग्जाम बने है ना बने, लोकेशन देख कर एकदम मजा आ गया। दिल गार्डन गार्डन से लग रही है। गार्डन मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे क्या। तो फाइनली गाइस अपना एग्जाम वगैरह तो कंप्लीट हो गया है। ये है अपना क्वेश्चन पेपर और आसपास के बैकग्राउंड को भी हम लोग घूम लिए ना। अभी के लिए इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं कहीं और ब्लॉग में। तब तक लीजिए जय हनुमान मातरम, जय छत्तीसगढ़।